प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मानस भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वर्चुअल भाषण का प्रसारण किया गया। इसके साथ ही देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में 18,000 करोड़ रुपए की नई किश्त भी भेजी गई, जिसका सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ सीधा संवाद किया, जिसमें बड़ी तादाद में किसान शामिल हुए। जबलपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे और उन्होंने इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और किसान के बीच हुए संवाद को बड़े ध्यान पूर्वक सुना। इस दौरान जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने कहा कि यह ऐतिहासिक मौका है, जब किसानों के खाते में इतनी बड़ी राशि एक मुश्त भेजी गई है। विपक्षी दलों को यह बात समझना चाहिए कि मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है। एक ऐतिहासिक दिन है, इस देश में सुशासन की सरकार देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस भी है और उसके साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा देश के अन्नदाताओं के हित में लिए गए लगातार निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में आज 18,000 करोड़ रुपए की राशि किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खातों में जमा की गई है। ये बहुत बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने देश के किसानों से सीधा संवाद किया और आज के संवाद में विशेष रूप से देश में किसानों की आड़ में राजनीति करने वाले लोगों की पूरी कलई खुल गई। अलग अलग हिस्सों में अरुणाचल प्रदेश से लेकर तमिलनाडु, तेलंगाना, अलग अलग राज्यों में किसानों ने खुलकर कहा कि कृषि सुधारों के बाद में क्या क्या परिवर्तन आए हैं और उनके लिए कितने फायदेमंद हैं। एक छोटी जोत का किसान, 1.5 एकड़ की जोत का किसान खुलकर ये कह रहा है कि पहले उसको कितना लाभ होता था, आज उसको कितना लाभ होने लगा है। उन्होंने उन सारी बातों की धज्जियां उड़ाई जो किसानों की आड़ में राजनीति करने वाले कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन किसी भी स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी किसी व्यापारी या संस्था के हाथ में जाने वाली नहीं है, केवल हमारी उपज जाती है। और उसका लाभ ये है कि आज अरुणाचल में बैठा हुआ किसान बेंगलोर में, हैदराबाद में, भोपाल में, मुंबई में अपनी उपज बेच सकता है। अन्यथा तो पहले हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर का किसान नागपुर और ब्यूरो रिपोर्ट वॉइस ऑफ राइट्स।